ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊना का एक परिवार अपने जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए पिछले 20 साल से भागदौड़ कर रहा है। दरअसल ऊना की उषा देवी अपने पति से अलग होकर पिछले लगभग 20 साल से जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रही है। जलेड़ा निवासी उषा देवी के लिए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार फरिश्ता बनकर आए। ऊना का एक परिवार अपने जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए पिछले 20 साल से भागदौड़ कर रहा है। दरअसल ऊना की उषा देवी अपने पति से अलग होकर पिछले लगभग 20 साल से जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रही है। जलेड़ा निवासी उषा देवी के लिए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार फरिश्ता बनकर आए। उषा की माने तो जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उनके परिवार ने काफी परेशानी झेली है। ना बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई आर्थिक सहायता मिल पाई और ना ही अनुसूचित जाति के लिए सरकार की ओर से चलाई जाने वाली किसी योजना का लाभ उन तक पहुंचा है। लेकिन अब उपायुक्त ऊना संदीप कुमार की वजह से उन्हें 20 वर्षों बाद अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मिला है, जिसके लिए पूरा परिवार हमेशा उनका ऋणी रहेगा। 50 वर्षीय उषा का मायका चिरूड़ू में है और विवाह सोलन जिला के खसोली में हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें पति का घर छोड़ना पड़ा था और वह जलेड़ा में आकर किराए के घर में रहने लगी। यही रहकर उन्होंने मुश्किल हालात में अपने बेटे व बेटे को पढ़ाया लिखाया और उनकी परवरिश की। जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन कोशिशें असफल साबित हुई। उषा ने कहा कि बेटी नर्सिंग में दाखिला लेना चाहती है और बेटा 11वीं क्लास में पढ़ता है। जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से उन्हें एडमिशन फीस में रियायत नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने अपनी परेशानी चलोला में आयोजित होने वाली जनमंच में रखी थी, जिसके बाद डीसी ऊना संदीप कुमार ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। डीसी की पहल का ही नतीजा है कि अब उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिल गया है। उषा का कहना है कि उसने सरकार से घर बनाने के लिए भी भूमि की मांग की है और डीसी से उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सर, मैं घर वालों से लग रहे थे ना, उसके बाद मेरे कागज नहीं बनते थे बच्चों के एससी के, तो उसके बाद डीसी साहब के पास आए तो उन्होंने मेरे दो के बीच में कागज बनवा दिए। वही डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि उषा देवी के पास जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से उनके परिवार को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। उनका विवाह सोलन में हुआ था, इसलिए उन्होंने इस मामले को अपने समक्ष डीसी सोलन के साथ उठाया और समस्या आ रही थी कि राजसभा रिकॉर्ड में उनकी जाति दर्ज नहीं थी क्योंकि ससुराल के पास भूमि नहीं है। ऐसे में जाति सत्यापित करने के लिए सोलन में लोकल इंक्वायरी करवाई गई। रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार ऊना को उषा का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आदेश दिए थे। उषा देवी को अब उनका जाति प्रमाण पत्र मिल चुका है। जहां तक उन्हें घर के लिए जमीन देने का मामला है, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन हर संभव मदद करने के लिए प्रयास करेगा। मेरे से चलोला जनमंच में ये महिला उषा देवी के नाम से मिली थी, जो जलेड़ा में रहती थी। इनके बच्चे जो अभी एडल्ट हैं, 18, 19, 20 साल के हो गए हैं, बेटा और बेटी, तो उनके जो एससी के सर्टिफिकेट थे वो नहीं बन रहे थे क्योंकि जो ये महिला हैं उषा, इनके पति ने इनको त्याग दिया है और काफ़ी वर्षों से यहीं जलेड़ा में रहती हैं और यहाँ पर इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री नहीं है, ना ही तो इनके नाम से ज़मीन थी। तो फिर इसकी छानबीन जो है वो सारी जहाँ इनके पति अभी रह रहे हैं सोलन जिला, वहाँ उपायुक्त सोलन के माध्यम से करवाएगी और एक लोकल इन्वेस्टिगेशन के बाद तकरीबन तीन एक महीने में लगे, तो उसके बाद अब इनके बच्चों के जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो बना दिया।